दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, आपने ये सारे कनेक्शन कर लिए। इन दैट केस आपने जो पैनल यूज़ करा है उसमें है दो दो लाइट के पिन, और आपने जो सप्लाई यूज़ करी है उसके अंदर है चार लाइट के पिन। तो आप जैसे ही किसी दो के अंदर, किसी भी दो के अंदर, यानी कि हम लोग तो ज़्यादातर इसमें दो, इसमें एक इसमें लगाएंगे पिन और एक इसमें पिन लगाएंगे, बाकी के दो जो खाली रहेंगे ना उनकी वजह से ये सप्लाई जैसे ही ऑन होगी, ऑन होने के बाद आपके लैंप कार्ड यानी लाइट आपकी ऑन होगी और ऑन होके ऑफ हो जाएगी। इस तरह से तो आपकी लाइट प्रॉपर तरीके से मुसलसल यानी रेगुलर ऑन नहीं रह पाएगी। तो इस सूरत हाल के अंदर हमने करना ये होता है, हमने किसी भी दो को, यानी कि एक पिन यहाँ की हमने दो लेके शॉर्ट कर देनी है और दूसरी तरफ एक पिन यहाँ की हमने दो लेके शॉर्ट कर देनी है। देखें यहाँ की एक पिन मैंने इसके नीचे से यहाँ पर मैंने आपस में शॉर्ट की ली है और दूसरी वाली साइड की पिन को मैंने आपस में लगा के शॉर्ट करा हुआ। इस तरह से मेरा ये लैंप कार्ड मुसलसल ऑन रहेगा, ये मैं आपको बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि अक्सर बेशतर हम ऐसा होता है उसी मॉनिटर के अंदर, जैसे कि हमने कार्ड लिया, यूनिवर्सल कार्ड लेने के बाद हमने मॉनिटर की सप्लाई, हमारी इस मॉनिटर की सप्लाई ख़राब है, इस स्क्रीन की जैसे इस पैनल की सप्लाई ख़राब है, हमने किसी और सप्लाई को लिया और सप्लाई लेने के बाद हमने पूरी सारे कनेक्शन कर लिए, 12 वोल्ट निकाल लिए, ऑन ऑफ का कनेक्शन लगा दिया, हमने अपने 5 वोल्ट को ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर दिया और कार्ड की ग्राउंड हमने लगा दी, कार्ड की ग्राउंड भी हमने यहाँ से लेके लगा दी। लगाने के बाद जब हम इसे कनेक्शन करने के लिए जाते हैं, लाइट हम अपनी ऑन करते हैं, ऑन होने के बाद ऑफ हो जाती है। तो गाइस इस तरीके का से ये देखें हमारा लैंप ऑफ हो जाता है। फिर हमने इन दोनों को जब शॉर्ट किया, इसे और इसे आपस में शॉर्ट किया, इन दोनों को आपस में शॉर्ट करने के बाद हमारा लैंप ऑन हो जाएगा। तो गाइस मैं आपको ऑन करके भी दिखाता हूँ एक बार। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर अपने कार्ड के कनेक्शन बोर्ड के साथ, सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिए, जैसे मैंने आपको बताया था 12 वोल्ट में कनेक्ट कर दिए और ग्राउंड में, और ENA ऑन ऑफ मैंने ऑन ऑफ में कनेक्ट कर दिए। तो गाइस अब यहाँ पे करना ये है कि जहाँ पर मैंने जिन पोर्ट्स को शॉर्ट नहीं किया उनके अंदर मैंने अपनी LCD की पोर्ट को, लाइट लैम्प की पोर्ट को लगा देना है। ये देखें मैंने ऊपर वाले एक, ये ऊपर वाला और इसका ऊपर वाला मैंने शॉर्ट नहीं किया, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये शॉर्ट हुआ हुआ है नीचे वाला, ऊपर वाला शॉर्ट नहीं हुआ हुआ, ये नीचे वाला शॉर्ट हुआ हुआ है, ये ऊपर वाला शॉर्ट नहीं हुआ हुआ। तो मैं दोनों ऊपर वालों के अंदर लगा के लैंप को अपने ऑन करूँगा। ये दोनों को मैंने लगा दिया, कार्ड को मैंने सुकून से एक तरफ रख दिया, मैंने लाइट का कार्ड लगा दिया। अब मैं इसे ऑन करूँगा, यहाँ से मैं इसकी पावर लगाने जा रहा हूँ। ये मैंने इसकी पावर लगा दी, पावर लगाने के बाद मैं इसे ऑन करूँगा तो हमारे लैंप कार्ड मुसलसल चलता रहेगा। ये देखें गाइस, लाइट ऑन हो गई मेरे पैनल की, और पैनल में डेटा भी आ गया, डेटा यानी LVDS भी आ गया। पैनल अभी उल्टा हुआ है, सीधा करना मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, या मेरी पिछली वीडियोस को देख लें आपको साफ नज़र आ जाएगा पैनल को आपने किस तरह से सीधा करना है। तो ये देखें, बस दिखाने का मतलब ये है कि अब देखें लैंप कार्ड हमारा ऑन है। इन दैट केस जो वो जंपर मैंने शॉर्ट किए ना, उन जंपर्स को मैं हटा दूंगा तो लाइट मेरी ऑन होगी, ऑन होने के बाद ऑफ हो जाएगी, इस तरह से लाइट फिर हमें स्क्रीन नज़र नहीं आएगी। तो गाइज़ ये करना आपने लाजमी है, अगर ये कर लेंगे तो आप अगर किसी अलग मॉनिटर की सप्लाई को भी लेके यूनिवर्सल कार्ड को इस्तेमाल करते हुए एक TV या मॉनिटर बनाना चाह रहे हैं तो आसानी से बना लेंगे। अगर आप नहीं करेंगे इसे शॉर्ट तो आपका लाइट बंद हो जाएगा। तो गाइस अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगैर ना जाइएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। Change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. Yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test. And could try to play, but you never know.